नौजवानों को बेचैन कर दिया और वो घरों से निकल खड़े हुए फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए। आज नौजवान इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि उनको एहसास है, उनको गम है, वो सिर्फ facebook.com पर बातें नहीं करते। बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा भी गुजरा है ईज स्ट्रोक का, और वो इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग दरख्त नहीं लगाते। यहाँ साए में बैठने के लिए हमें जगह तो चाहिए होती, लेकिन दरख्त लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। और कल जो मेरे दिल पर बीती थी, क्या आज भी वही बीतेगी? जहन्नुम के कुत्ते जीतेंगे या उसैद जमाल की गजल जीतेंगे? अलवकात तारीख को छोड़कर, माजी को छोड़कर हाल का जायजा लिया जाए, सियासत की बात की जाए, तो फिर इल्म होगा। NA 246 और कैंटोनमेंट बोर्ड के शफाफ तरीन इंतखाबात इस बात की जमानत है कि अब और अंधेरा नहीं, अब उजाला है। पाकिस्तान का बैन अल-अक़वामी सतह पर जायजा लिया जाए तो इल्म होगा। इकबाल का ख्वाब था, ये ताबीरें मिसाली है, अब हमने इसे मिलकर मेहनत से सजाना है। हम कौम है ताकतवर, दुनिया को दिखाना है। वादा है ये कल से कि हिम्मत नहीं आएंगे, इस मुल्क का गोशा गोशा खून पीकर निखारेंगे। मैं दावत खिताब देने चला हूँ लाखों तलबा के दिलों की धड़कन, चेयरमैन पाक से जमीन पार्टी मुस्तफा कमाल भाई। गाने आएगा उसे चलाने बोल चिता से, बापू तेरा आ जाएगा, फिर दिल्ली की छाती पर लहराएगा परचम सब्ज हिलाली, फिर सदियों सदियों तक नेहरू जैसा शैतान ना होगा, कश्मीर तो रहेगा, पाकिस्तान तो रहेगा, हिंदुस्तान और उसका नामो निशान नहीं होगा।